हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम लोग मैट्रिक्स को बनाते हैं। और मैट्रिक्स का यहाँ पे मतलब यह है कि कोई भी रैंडम नंबर अपने आप ऑटोमेटिकली आता रहेगा और आप जिस कलर में चाहते हैं उस कलर में आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग सीखते हैं और इन्जॉय करते हैं। नोटपैड को ओपन करेंगे और नोटपैड को ओपन करने के बाद @ईचो आप जैसा भी प्रोनाउंस यूज करें, ईचो आप, उसके बाद कलर की स्पेलिंग आपको इंडियन इंग्लिश नहीं लिखना है, आपको ब्रिटिश या अमेरिकन इंग्लिश लिखना है। मैं अभी 02 दे देता हूँ। फिर स्पेस करने के बाद कॉलन प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे स्टार्ट, उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे, उसके बाद फिर ईचो, उसके बाद हम परसेंट के साथ रैंडम लिखेंगे, फिर परसेंट लगाएंगे और रैंडम को फिर से हम परसेंट टाइप करते हैं और रैंडम को टाइप करते हैं, फिर परसेंटेज लगाएंगे और फिर से वही कहानी। फिर इंटर प्रेस करेंगे और एक बार फिर से इंटर प्रेस करेंगे, स्पेस देंगे और टाइप करेंगे गो टू स्पेस स्टार्ट। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे फाइल मेनू और यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिलेगा और उसके बाद इसको हम किसी भी नाम में, या मान लीजिए random.bat, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, .bat वाली फाइल को हमें सेव करना है, .bat। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। अभी इसको मैं तो मिनिमाइज कर देता हूँ और इसको मैं प्ले करके चलाता हूँ। जैसे हमने प्ले किया, आप एक चीज ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे 3 नंबर कंटिन्यू चल रहे हैं और ग्रीन कलर में चल रहा है। तो इसको अभी मैं क्लोज कर देता हूँ और क्लोज करने में फिर से वही नोटपैड की फाइल को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, 02 की जगह 3 कर देता हूँ और ये जो रैंडम मैंने लिखा हुआ है, इस रैंडम वाले नंबर को मैं कम से कम 6 बार कर देता हूँ और फिर से सेव कर देता हूँ और फिर से इसको मैं ऑपरेट चलाता हूँ। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, अब देखिए 6 बार चल रहा है, 6 अंकों का है, मतलब 6 लाइन जा रही है और उसके बाद इसका कलर भी चेंज हो गया है। दोस्तों, एक बार आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी।